उसके बाद एक भाई ने पूछा है कि भाई आपका कितना बड़ा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि भाई असद स्टाइलिंग एंड मान वैष्णव में से आपको बेस्ट कौन लगता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। एंड गाइस, बहुत टाइम से हमारा एक वीडियो अटका हुआ था, वो था Q&A का। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा Q&A का वीडियो किया जाए, जो आप लोगों को मेरे बारे में जानना था कि भाई आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या है क्या नहीं, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, Q&A को एंजॉय करें। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इंडिया भी फिट फैमिली को ज्वाइन करें। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो गाइस, सबसे ज्यादा बार और सबसे कॉमन जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि भाई आप कहाँ रहते हो, आपकी एज कितनी है, पढ़ाई में क्या कर रहे हो, यानी बहुत सी चीजें। सो गाइस, सबसे पहले तो मेरा फुल नेम जो है वो है हेमंत नेगी। मेरी जो एज है वो है 20 इयर्स। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इग्नू यूनिवर्सिटी से। एंड मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, एक छोटी सी जगह है प्रताप विहार, वहां मैं रहता हूँ। अब जो सेकंड जो सवाल आया है वो आया है कि भाई आपने क्या सोचकर यूट्यूब चैनल शुरू किया था। सो गाइस, मैंने कुछ भी सोच के यूट्यूब चैनल नहीं शुरू किया था। बस मेरे दिमाग में ये था कि जब मुझे हेयर प्रॉब्लम्स हुई थी या जब मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई थी, जब मैं यूट्यूब में वीडियोस देखा करता था, तो लोग हमारे इमोशन के साथ बहुत ज्यादा खेला करते थे कि ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, ये लगा लो, वो लगा लो। तो दोस्तों, मैंने इन सब चीजों में बहुत पैसा खराब किया। एंड जब मैंने सोचा कि जब मैं इतना पैसा खराब कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे कितने और ऐसे लोग होंगे जो इन सब चीजों में पैसा वेस्ट कर रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हेयर और स्किन प्रॉब्लम एक ऐसी है जो हर एक बंदे को होती है और हर एक उम्र में होती है। तो यही सब चीजें सोच के मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था कि मैं जेन्युइन कंटेंट बनाऊंगा लोगों के लिए एंड सच्ची चीजें बताऊंगा जो एक्चुअल चीजें होती है। सो बस यही सोचा था मैंने यूट्यूब में आने का। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, तो हाँ भाई, मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है, एनी न्यू प्रोजेक्ट एंड म्यूजिक एल्बम्स के बारे में भाई कुछ बताओ कि कैसे एंटर हुआ। सो गाइस, म्यूजिक एल्बम, सबसे पहले तो अभी फ्यूचर में कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है बड़े, जो भी है बस आप इस चैनल पे आते जाएंगे एंड आपको बता दिया करूंगा जो जो चीजें आएंगी। बाकी म्यूजिक एल्बम की बात रही तो म्यूजिक एल्बम्स में ऐसा है, एक सीन है कि मेरा दोस्त ने मुझे मिलाया था जिनका वो चैनल है, तो उनसे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे अपने चैनल में ले लो, मेरे को वीडियोस बनानी है आप लोगों के साथ। तो बस ऐसे से करके मैंने म्यूजिक एल्बम में स्टार्ट किया बनाना। सो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो है, भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर है तो प्लीज उसका फेस रिवील करो। सो गाइस, अभी तो मेरी फिलहाल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर इन फ्यूचर में कभी बनेगी तो मैं आप लोगों से जरूर से मिलवाऊंगा। सो अभी तो फिलहाल मैं सिंगल हूँ, एंड अगर आप लोगों के पास कोई हो तो मुझे सजेस्ट करना। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि भाई असद स्टाइलिंग एंड मान वैष्णव में से आपको बेस्ट कौन लगता है। सो भाई देखो, मेरी अभी इतनी औकात हुई नहीं है कि जो मैं उन लोगों को कंपेयर कर सकूं, वो बहुत ऊंचे लेवल पे हैं एंड दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। वो लोग बहुत मेहनत से आगे बढ़े हैं और हम उनसे भी बहुत छोटे हैं, तो ये कहना अच्छा नहीं होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है। असद भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो अपनी जगह बेस्ट है। मान वैष्णव भाई अपनी ग्रूमिंग टिप्स वगैरह देते हैं, तो वो भी अच्छा है। उसके बाद एक भाई ने पूछा है कि भाई दानिश ज़हन के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। सो भाई, दानिश भाई के बारे में यही ख्याल है कि जितने भी यूट्यूबर हैं लड़के खासकर जो ब्लॉगिंग करते हैं, वो सब कुछ दानिश भाई को लेकर ही शुरू किया था देखकर। और हेयर कलरिंग की बात रही, बॉडी की बात रही, तो सब कुछ हमने दानिश भाई से सीखा है सब चीज़ें। तो जितने भी लोग हैं यंगस्टर्स हैं खासकर, तो हेयर स्टाइल की कलरिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं एंड वो लेजेंड है हमेशा, उनके जैसे कोई नहीं बन सकता, चाहे कितने भी बड़ा स्टार आ जाए, सुपर स्टार आ जाए, दानिश भाई एक थे और वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उसके बाद एक भाई ने सवाल क्वेश्चन किया कि भाई प्लीज आप अपनी लाइव वीडियो में अपनी बॉडी हमें शो करें, हमें देखना है कि बिना पंप के आपकी बॉडी कैसी लगती है। ओके, सो देख सकते हो, सो ये है मेरी फिलहाल बॉडी बिना पंप के। मैं थोड़ा और ऊपर दिखा देता हूँ आपको, एप्स वगैरह सब दिखा देता हूँ। सो ये है मेरी बॉडी, अभी देख सकते हो आप। सो जैसी भी है, थोड़ी बहुत है, 6-7 महीने लगे ऐसी बॉडी बनाने में मुझे। गाइस, एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई फ्यूचर में कोई वीडियोस जो आएंगी उनकी थोड़ी बहुत अपडेट हमें दो। सो भाई, फ्यूचर में स्किन केयर की, हेयर केयर की, बॉडी बिल्डिंग की बहुत सी ऐसी वीडियोस जो पेंडिंग पड़ी हुई है अभी, वो सब चीजें आनी जरूरी है, आएगी बहुत जल्दी। सो बहुत अच्छे तरह के मिक्स वीडियोस आएंगे सारे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप मिस ना कर सको कोई भी वीडियो। उसके बाद एक भाई ने पूछा है कि भाई आपका कितना बड़ा है दिल। तो भाई, मेरा दिल बहुत बड़ा है और वो तो आपको पता ही चल गया होगा कितना बड़ा दिल है मेरा। और उसके बाद एक भाई ने सवाल पूछा है कि भाई आपकी असद स्टाइलिंग, मान वैष्णव या किसी बड़े यूट्यूबर में से किसी से बात हुई।
तो हाँ भाई मेरी मान भाई से बात हुई अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एंड बहुत अच्छे हैं वो, मैंने इनसे बात करी, बहुत डाउन टू अर्थ है एंड बहुत जल्दी रिप्लाई किया उन्होंने एज कम्पेयर टू उधर के। बाकी ऐसा नहीं है, सब लोग बिजी होते हैं अपने अपने काम में, अब ये छोड़ कि हर कोई इंस्टाग्राम खोल के बैठा रहता है मेरी तरह, बट ठीक है कर लेंगे आगे भी सर्विस से बात। सो गाइज आई होप ये छोटा सा क्यू एन ए आप लोगों को अच्छा लगा हो। गाइज नेक्स्ट जो क्यू एन ए आएगा हमारा 50K पे आएगा, तो जल्दी से मेरे 50K सब्सक्राइबर पूरे कर दो, उसके बाद आप लोगों को नया क्यू एन ए देखने को मिलेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में लिखें एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लव यू।